श्री सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा रचित मौत का खेल विमल सीरीज। बारिश कब की थम चुकी थी, लेकिन मैंने अपनी प्लास्टिक की बरसाती उतारने का उपक्रम नहीं किया। जब बारिश नहीं हो रही थी, प्लास्टिक की पीले से रंग की घिसी पिटी बरसाती मैं तब भी पहने हुए था। उस बरसाती को अपने जिस्म से अलग करते डरता था। मेरी पतलून की हालत पीछे से बहुत नाजुक हो चुकी थी और कमीज भी किसी भी क्षण जिस्म का साथ छोड़ देने को तैयार थी। बरसाती की वजह से मेरे कपड़ों की खस्ता हालत ढकी रहती थी। मेरे सिर के बाल बड़े हुए थे और बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। मैंने शेव कब से नहीं की थी, मैं खुद भूल चुका था। इन तमाम बातों की वजह से और दो दिन से खाना ना खाया होने की वजह से मेरे चेहरे से मनहूसियत तो टपक ही रही थी, साथ ही मैं कमजोरी का भी अनुभव कर रहा था। मेरे चेहरे पर लगा चश्मा बार बार अपने स्थान से सरक कर नाक के अग्रभाग पर पहुंच जाता था। मैं बम्बई के विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन की लॉबी में एक बेंच पर बैठा था और अपने भूख और कमजोरी से जड़ हो चुके दिमाग से कोई ऐसी तरकीब खोज निकालने की कोशिश कर रहा था जिससे मुझे खाना भी हासिल हो जाए और मुझे कोई अपराध भी ना करना पड़े।